क्या हुआ? मौत बरहक है, जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूं। कबल अज़मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत ने सुकून अबदी के मुस्तहक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते, ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आरुम सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यक्ता के जवार रहमत में बहिश्ते जाविदा और अबदी जिंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों है? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावंद पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो, लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपूपीस इसी तरह पाक व पाकीजा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा।